हॉस्पिटल के मैनेजर की पेड़ में बांधकर क्यों हुई पिटाई? सीएम शिवराज जनशक्ति को कैसे नमन उन्होंने किया? और कोरोना मरीज ने क्यों की खुदकुशी? रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए डॉक्टर कहां हुए गिरफ्तार? घातक वायरस से जुड़ी और खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बेकाबू महामारी। यूपी के बरेली में निजी अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और एपेक्स अस्पताल के मैनेजर को पोल से बांध दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मैनेजर को छुड़ाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में जारी जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों के भारी समर्थन पर खुशी जाहिर की। शिवराज ने ट्वीट किया, ऐसे ही प्रयासों से हम कोविड-19 संक्रमण की चेन तोड़ेंगे और जल्द ही संकट पर काबू पा लेंगे। कोरोना के खौफ और नए प्रतिबंधों के कारण अब मुंबई में लोगों का घर से निकलना कम हो रहा है। भाईंदर स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ में काफी कमी देखी गई। केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मेडिकल समेत कुछ जरूरी सेवाओं को ही ट्रेन से यात्रा की अनुमति है। कोरोना संक्रमण का खौफ लोगों के मन में घर करने लगा है, जिससे लोग अवसाद की चपेट में आने लगे हैं। ताजा मामला दिल्ली से सटे नोएडा का है। यहां पर कोरोना संक्रमित मरीज ने नोएडा के कैलाश अस्पताल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यूपी के बरेली में रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के गेट पर एक कोविड पेशेंट 5 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पता रहा, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। इसके बाद एम्बुलेंस चालक ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हॉस्पिटल ने बेड फुल होने की बात कहते हुए गेट पर ताला बंद कर दिया था। अस्पतालों में बेड की किल्लत है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में रेलवे स्टेशन पर खड़े 78 आइसोलेशन कोच में एक भी मरीज नहीं भर्ती किए जा रहे। ये कोच लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन और पलिया स्टेशन पर खड़े हैं। देश महामारी से जूझ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी धक्के के सहारे ही चल रही है। ये तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत के सिविल अस्पताल की हैं, जहां एम्बुलेंस को धक्का मारकर स्टार्ट किया जा रहा है। लखनऊ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में 2 डॉक्टर समेत 4 लोगों को पुलिस ने ठाकुरगंज इलाके से गिरफ्तार किया। कालाबाजारी करने वाले डॉक्टर और आरोपियों के पास से 34 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 डॉक्टर समेत 5 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से 4 इंजेक्शन को बरामद किया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।